Hello everyone, a very warm welcome to Siksha. सो गाइज इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट अभी मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट को आप सोशल सिक्योरिटी के अंदर स्टडी कर सकते हो सोशल सिक्योरिटी लेजिसलेशन के अंदर या आप इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि बेसिकली रिलेटेड टू वर्क फोर्स इसके अंदर आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं ओके सो दोनों एरियाज के अंदर आप इसको कवर आप कर सकते हो चाहे आप इसको सोशल सिक्योरिटी में ले लो चाहे इंडस्ट्रियल रिलेशन में ले लो ओके तो लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों पी आप जानते हो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एम सी कॉम्बो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लास्ट के डेज में इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के इसके अंदर आपको एम मिलते हैं एंड यू पी एस सी ई पी एफ ओ अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें फिफ्टी परसेंट ऑफ भी मिल जाता है अगर आप एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स लेते हैं तो पी डी एफ के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है चलिए शुरू करते हैं तो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट सबसे पहले तो एप्लीकेबल किन स्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर है तो ये उन establishments के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहां पर दस या दस से ज्यादा लोग इंप्लॉइड हैं या इंप्लॉइड थे इन द प्रिस ट्वेल्व मंथ्स जब भी हम कोई भी कोड कर रहे हैं या कोई भी आप ये एक्ट देखोगे ना इंडस्ट्रियल रिलेशन के सोशल सिक्योरिटी की उसमें प्रिसीडिंग ट्वेल्व मंथ्स होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि मैं ये नहीं देखूंगा कि आज मेरे पास दस या दस से ज्यादा इंप्लॉयज हैं मैं पिछले बारह महीने में देखूंगा हो सकता है मेरे पास आज काम कर रहे लेकिन दो महीने पहले मेरे पास थे। तो प्रिसीडिंग ट्वेल्व महीने में, तो हो तो में चीज होती है जो आपको देखनी है ये और हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी नाउ सबसे पहले तो एक्ट के अंदर कुछ प्रोहिबिशन हैं क्या प्रोहिबिशन है देखो जी कोई भी इंप्लॉयर अपनी इंफॉर्मेशन अगर उसको है अगर उसको नॉलेज है दैट अ पर्टिकुलर वुमेन इज एंड जो प्रेगनेंसी uh, की स्टेज है या जो डेट ऑफ डिलीवरी है वो सिक्स वीक्स बाद की है ठीक है छ हफ्ते का गैप है बेसिकली तो उस केस में इम्प्लॉयर ऐसी वुमेन को इम्प्लॉय नहीं करेगा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ओके okay? तो अगर डिलीवरी से छ हफ्ते पहले का जो टाइम है ठीक है जो छ हफ्ते पूरे हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं दूसरा कोई भी वुमेन काम नहीं करेंगी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के सिक्स वीक्स इमीजिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ ऑर डिलीवरी तो डिलीवरी होती छे हफ्ते तक आपको काम नहीं करना है ये वुमेन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी छह हफ्ते वाला तो एक सीन हो गया कि भाई आपने बोला कि यार इम्प्लॉयर जो है वो छे हफ्ते पहले तक आपको काम पर नहीं रखेगा कोई नहीं employee, कोई नई नया uh, आ फॉर टेकिंग एम्प्लॉयमेंट बट द एम्प्लॉई नोज दैट हर डिलीवरी इज ड्यू विद इन सिक्स वीक्स तो फिर वो उनको डिनाई कर सकते हैं उस केस में एम्प्लॉयमेंट ओके नॉ डेट ऑफ डिलीवरी से हमने बोला कि यार छह हफ्ते तक छह हफ्ते पहले का ये पीरियड हमने बात कर ली अब एक और पॉइंट आ जाता है फॉर एग्जाम्पल देर इज सम वुमेन वर्किंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वर्किंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो डेट ऑफ डिलीवरी से छः हफ्ते पहले तो वो वैसे भी मेटर्निटी लीव पे जा सकती हैं ठीक है लेकिन द नेचर ऑफ वर्क दैट शी इज़ इन्वॉल्व इन जैसे कि जो उनका काम है उसमें उनको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है या काम जो है वो उनकी प्रेगनेंसी के साथ कुछ इंटरफेरेंस कर सकता है या फीटस के नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ इंटरफेरेंस कर सकता है मिस कैरेज में रिजल्ट कर सकता है तो उसके केस में वो अपने इम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकती है इन कि इस सिक्स वीक्स ये जो सिक्स वीक्स का पीरियड स्टार्ट हो रहा है इससे वन मंथ पहले तक भी उनको इस पर्टिकुलर जो आ, 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 फिजिकली एग्जॉस्टिंग नेचर की ड्यूटीज हैं उससे वो उनको फ्री कर दे ठीक है जो बेसिकली उनको डेस्क जॉब या टेबल जॉब जो ज़्यादा स्मूदर हो वो उनको वो प्रोवाइड करे तो ये रिक्वेस्ट जो है एम्प्लॉयर को वुमेन कर सकती है और इसको फिर वो डिनाई नहीं कर सकते ओके नाउ इफ़ जो वुमेन ऑलरेडी वर्किंग है इफ़ शी इज नॉट अवेलिंग द वीक ड्यूरिंग दिस सिक्स वीक्स प्रेगनेंसी डेट ऑफ डिलीवरी से सिक्स वीक्स पहले अगर वो लीव नहीं ले रहे हैं तो उस केस में भी uh, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो नेचर ऑफ वर्क है उसको सिंपल रखा जाए ओके नेक्स्ट मेटर्निटी बेनिफिट की अगर हम uh, बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर वुमेन कम्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर को पता नहीं चला एंड शी हैज़ वर्क फॉर वन डे और एक दिन काम करने के बाद वो मेटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर दें और मेटर्निटी बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर दें तो इस केस में तो एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि एक तरीके से उन्होंने भी इंफॉर्मेशन को हाइड किया है तो एक्ट क्या कहता है कि वुमेन को मेटर्निटी बेनिफिट तब जा कर के मिलेगा अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एटलीस्ट एट्टी डेज काम किया है पिछले बारह महीने के अंदर या प्रिसीडिंग ट्वेल्व मंथ्स इमिडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफर एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है ना उससे हम पिछले बारह महीने देखेंगे करंट डेट से नहीं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से हम पिछले बारह महीने देखेंगे और उस बारह महीने में उन्होंने अस्सी दिन काम किया है देन ओनली शी विल बी गेटिंग द मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं तो ऐसे तो इस्टेब्लिशमेंट्स को बड़ा लॉस हो जाएगा ठीक है सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एटी डेज वाला पॉइंट आपने याद रखना है ओके मेटर्निटी लीव की अगर हम बात करें तो कितनी छुट्टी मिलती है ये दो हजार सत्रह के अंदर अमेंडमेंट्स हुए थे ना तो मैक्सिमम पीरियड जो है वुमेन को जो मेटर्निटी बेनिफिट के लिए मिलता है दैट इज ट्वेंटी सिक्स वीक्स ओके ऑफ विच नॉट मोर देन एट वीक्स शॉल प्रोसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी तो डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी से जो डिलीवरी डेट है उससे पहले कितनी वीक्स की वो हॉलीडे ले सकते हैं तो वो मैक्सिमम आठ है ठीक है आठ से ज्यादा नहीं ले सकते एक्सपेक्टेड डिलीवरी से क्योंकि तो सरकार क्या चाहती है कि जो डेट ऑफ डिलीवरी डिलीवरी होने के बाद एक मदर के पास सफिशेंट टाइम हो ओके okay, रिकवर करने का टू यू नो स्पेंड सम टाइम विद द न्यू बॉर्न बेबी तो आठ हफ्ते ज्यादा से ज्यादा आप डिलीवरी से पहले छुट्टी ले सकते हो तो डिलीवरी के बाद इन एनी केस अगर किसी ने आठ हफ्ते की छुट्टी ले भी ली तो डिलीवरी के बाद द पर्सन विल बी हैविंग है ट्वेंटी सिक्स वीक्स का प्रोविजन है ना तो अट्ठारह हफ्ते फिर भी बचते हैं ओके okay? अट्ठारह हफ्ते इट विल बी अराउंड फोर एंड हाफ मंथ्स ओके नाउ अब ये जो मेटर्निटी बेनिफिट्स हैं इसके अंदर कुछ केसेस uh, uh, आते हैं वो क्या आते हैं तो ये जो ट्वेंटी सिक्स वीक्स वाला मेटर्निटी लीव है ना ये उन वुमेन को मिलेगा हु हैव अप टू टू चिल्ड्रन बेसिकली अपू टू चिल्ड्रन आपको ट्वेंटी सिक्स वीक्स का बेनिफिट मिलेगा जैसे अगर किसी का फर्स्ट चाइल्ड है तो ट्वेंटी सिक्स वीक्स मिलेगा ठीक है Two child है है के लिए भी 26 weeks मिलेगा बट अगर third child है, तो उस केस में सिनेरियो बदल जाता है है तो तो उस उस केस केस में में सरकार क्या बोलती है कि अगर तो मैक्सिमम जो मेटर्निटी बेनिफिट होगा ट्वेंटी सिक्स वीक्स का नहीं तो टू दो बच्चे तो आपको हफ्ते की मेटर्निटी लीव मिलेगी मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगी लेकिन अगर दो से तीसरा बच्चा हो रहा है ठीक है दो से ज्यादा अगर बच्चे हैं ऑलरेडी या दो बच्चे हैं ऑलरेडी और थर्ड चाइल्ड हो रहा है तो उस केस में फिर ट्वेल्व वीक्स की मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगी और इन ट्वेल्व वीक्स में से छ हफ्ते की आप डिलीवरी से पहले ले सकते हो मैक्सिमम और फिर छः हफ्ते आपके पास डिलीवरी के बाद के बचेंगे ओके नौ वेयर अ वुमेन डाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर भगवान ना करे एक महिला जो मेटर्निटी लीव के ऊपर है एंड द डेथ अकर्स ड्यूरिंग दिस मेटर्निटी लीव पीरियड ओके Uh, तो उस केस में जो मेटर्निटी बेनिफिट uh, होगा दैट विल बी पेएबल ओनली फॉर द डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ अर डेथ तो डेथ तक का जो पीरियड है उस तक का ही उनका जो है ड्यू होगा वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन टुक मेटर्निटी लीव और मेटर्निटी लीव लेने के बाद फोर वीक्स बाद डेथ हो गई उस पर्टिकुलर वुमेन की तो वो जो फोर वीक्स का उनको पैसा मिलेगा बाकी का जो पूरे का पूरा ट्वेंटी सिक्स वीक्स का या रिमेनिंग पीरियड का नहीं मिलेगा ओके okay? अब दूसरा केस होता है कि वुमेन हैज़ डिलीवर्ड अ चाइल्ड ठीक है चाइल्ड की डिलीवरी होगी एंड डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से द वुमेन डाइड ड्यूरिंग अ डिलीवरी ओके okay? या आफ्टर द डेट ऑफ डिलीवरी आफ्टर सम टाइम शी डाइड ओके अब इसमें दो केस हो सकते हैं एक या तो बच्चा बच बच्च गया जिसकी डिलीवरी हुई है वो बच्चा बच बच्च गया तो उस केस में तो इंप्लॉयर जो है वो पूरे पीरियड का मेटर्निटी बेनिफिट देगा एंटायर पीरियड अगर छब्बीस हफ्ते का मेटर्निटी बेनिफिट है तो 26 हफ्ते का मेटर्निटी बेनिफिट देगा इट डज नॉट मैटर कि वुमेन की डेथ उसने हॉलीडे लिया मेटर्निटी लीव जब से लिया उसके छह हफ्ते बाद होगी छह हफ्ते बाद डिलीवरी थी और छह हफ्ते बाद ही डेथ होगी इट डज नॉट मैटर द चाइल्ड सरवाइव्स तो पूरा ट्वेंटी सिक्स वीक्स का मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा बट अगर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन में चाइल्ड की भी डेथ होगी तो उस केस में जो बेनिफिट मिलेगा वो ओनली अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड मिलेगा ठीक है जब तक जो जिस दिन चाइल्ड की भी डेथ हो गई आफ्टर मदर उस दिन तक का मिलेगा पूरे पीरियड का नहीं मिलेगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पॉइंट है ध्यान रखना है अगर तो वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी और बच्चा बच गया तो तो पूरे पीरियड का भी मिलेगा अगर बच्चे की भी डेथ होगी तो सिर्फ जिस डेट तक बच्चे की डेथ हुई है उस डेट तक का मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा ओके नाउ नेक्स्ट केस आ जाता है अगर वुमेन एडॉप्ट करते हैं बच्चे को ठीक है इफ द द वुमेन इज एंड चाइल्ड इज बिलो द एज ऑफ थ्री मंथ्स तीन महीने से छोटा है ठीक है तो उस केस में भी मेटर्निटी बेनिफिट का प्रोविजन है और उस केस में भी ट्वेल्व वीक्स का मेटर्निटी बेनिफिट आपको आप ले सकते हो ठीक है अब इसमें प्रोसीडिंग का नहीं होता ये आप जब जिस दिन आपने अडॉप्ट कर लिया उसके बाद ही आप ट्वेल्व वीक्स का लोगे प्रोसीडिंग क्योंकि

इस डेट से पहले ले रहे हो लीव और सर्टेन पीरियड इस लीव के बाद ले रहे हो अब जो प्रेसीडिंग है जो डेट ऑफ डिलीवरी से पहले आपने लीव ले ली क्योंकि आप छः हफ्ते आठ हफ्ते पहले जा रहे हो ना छुट्टी पे डिलीवरी से पहले तो वो जो पैसा है वो तो आपको एम्प्लॉयर एडवांस में देगा वो पैसा आपको एम्प्लॉयर जो है वो एडवांस में दे देगा ओके बस वन को जो है प्रूफ देना दैट शी इज प्रेगनेंट जो डेट ऑफ डिलीवरी के बाद का पीरियड है ठीक है जो डेट ऑफ डिलीवरी के बाद का पीरियड है वो पैसा एम्प्लॉयर को फोर्टी चाइल्ड तो उसके फोर्टी के अंदर अंदर जो पैसा है वो वुमेन को मिलना चाहिए तो एक डेट ऑफ डिलीवरी से पहले की एक तरीके की इंस्टॉलमेंट होगी और एक डेट ऑफ डिलीवरी के बाद की होगी नेक्स्ट इज अगर मिसकैरेज हो जाता है एक पर्टिकुलर वुमेन का मिस हो जाता है या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको मेडिकली टर्मिनेट करना पड़ा तो उस केस में भी उनको लीव का प्रोविजन है ओके लीव विद वेजेस एंड उसमें जो लीव uh, रहती है दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स वीक्स ठीक है उसके लिए आपको एक प्रूफ uh, देना होता है इम्प्लॉयर uh, को एंड वंस यू हैव गिवन द प्रूफ तो वो आपको डिनाई नहीं कर सकता एंड द पर्सन विल बी गिवन द लीव ओके सिक्स वीक्स इसके अंदर सिक्स वीक्स होता है याद रखना है अगर ट्यूबिकटोमी ऑपरेशन हो रहे हैं ओके उस केस में भी जो लीव बेनिफिट है वो अप टू अ पीरियड ऑफ टू वीक्स होता है ओके इफ ओकेर इज एनी काइंड काफ़ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन तो दो हफ्ते की लीव जो है वो वुमेन जो है डिमांड कर सकते हैं एम्प्लॉयर से देन नर्सिंग ब्रेक्स का प्रोविजन है तो देखो बच्चा डिलीवर कर दिया छब्बीस हफ्ते की छुट्टी भी मिल गई लेकिन जब आप ड्यूटी पे आ रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलती है कि लोग वुमेन को क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट पे रखना चाहते कि भाई

ओके okay, तो एक तो उनको रेस्ट पीरियड अलाउड होता है वो तो सबको अलाउड होता है ठीक है जिसमें वो खाना वाना खाने का सिस्टम होता है सब लंच ब्रेक कह लो इसके अलावा दो ब्रेक्स और उनको मिलेंगे child, 15 जब तक पंद्रह महीने का नहीं बच्चा हो जाता तब तक आपको उनको ये दो एक्स्ट्रा नर्सिंग ब्रेक्स जो है वो प्रोवाइड करने होंगे

एंड uh, इसके अंदर उनका जो रेस्ट uh, पीरियड है वो भी इंक्लूडेड है चार के अंदर ठीक है उसके बाद फोर फीचर ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट अब देखो फॉर एग्जाम्पल एज एन एम्प्लॉयर आपने एक वुमेन को सिक्स वीक्स बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी उनको मेटर्निटी लीव अलाउ कर दिया और वो वो वुमेन दैट पर्टिकुलर वुमेन शी थॉट कि यार अभी तो मैं काम कर सकती हूँ मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जो भी उन्होंने सोचा And उन्होंने किसी दूसरे के पास जाकर के वो काम करने लगे ओके एंड द इम्प्लॉयर कम्स टू नो दिस तो उस केस में जो इम्प्लॉयर है वो उनको मेटर्निटी बेनिफिट्स डिनाई कर सकता ओके एंड देन द दुमेन कैन डू नथिंग फिर उनको वो मेटर्निटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही किए हैं वैसे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ये एक्ट भी नहीं है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपके सारे कवर कर दिए हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं फिर भी कोई डाउट हो सो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय